फिर सुनने में आया कि श्रीनगर का एक बड़ा होटल उसको भी लिया है हेडक्वार्टर बनाने के लिए, क्योंकि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि उन पर कंट्रोल नहीं रहेगा। हमारे पुलिस वाले लोगों को कह रहे थे कि जितना आप मंडे तक कर सकते हो करो, मंडे के बाद यहां कर्फ्यू रहेगा, पता नहीं क्या होगा। यहां पर तो फारूक शाह साहब ने मुझे कहा जनाब हमने मंडे का रखा था लेकिन संडे को करो क्योंकि पता नहीं मंडे को यहां क्या होगा। मैंने कहा जनाब मंडे को जो होगा देखी जाएगी। हमने फारूक साहब से कहा, जनाब डॉक्टर फारूक साहब से, आप राजनाथ सिंह से फोन करके कहो यार ये यहां लोग फट रहे हैं, इतना डर है कि हमारा दिमाग फट रहा है। कोई हमें 35A पे डरा रहा है, कोई हमें जंग पे डरा रहा है। रात को हम एक फाइटर जहाज की आवाज सुनते हमें लगता है बस हमारे घर पर बम गिरने वाला है। खुदा ना कुछ करो हमें इस डर से निकालो। फारूक साहब ने राजनाथ सिंह साहब से बात की, तब जाके फिर राजभवन से बयान आना शुरू हो गए कि डर की कोई जरूरत नहीं है, ये इलेक्शन की तैयारी है, राशन की कमी है, रास्ता बंद है, ये सब है। अगर दो दिन पहले हमें ये सुनाते हम शायद कम डरते, हमारी नींद इस तरह हराम नहीं होती। 35A को लेकर आप रोज हमें डराते हो। मैं मरकज वालों को जरा बताऊं, अरुणाचल प्रदेश का आज हाल देखो। अरुणाचल प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई पथराव नहीं है। शायद अरुणाचल प्रदेश में जितना अमन है उतना इस मुल्क के और किसी रियासत में नहीं होगा, लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश में इन लोगों ने आग लगाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जैसा हमारे पास है वैसा वहां पे है, उन्होंने उसमें खिलवाड़ की, उसमें बदलाव लाया और अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम का घर तक लोगों ने जला दिया। वहां इस हद तक हालात खराब हुए। आप जम्मू कश्मीर में 35A के साथ खिलवाड़ करोगे, अरुणाचल से ज्यादा बदतर यहां के हालात हो जाएंगे। और मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मीडिया वाले अब रात को 9 बजे मेरा लगाएंगे वहां पर, उमर थ्रेटन्स इंडिया। मैं कोई थ्रेटन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मेरा हैशटैग मत चलाइए आप, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरा फर्ज बनता है आपको वार्न करना, बाकी आपकी मर्जी है। एक जिम्मेदार बाशिंदा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है दिल्ली को मैं बताऊं राव आपकी सोच सही नहीं है। आप हम तो छोड़िए, चाहे वो मरकज की हुकूमत हो चाहे वो गवर्नर साहब हो, आपकी आज एक ही जिम्मेदारी है, आप हालात बनाइए, इलेक्शन कराइए। इलेक्शन कराने के बाद जो यहां के लोगों का फैसला होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख का, उन पे छोड़िए कि 35A का क्या करना है। हम आपसे बेहतर जानते हैं कि इस रियासत के हालात किस तरह साजगार और बेहतर रखने हैं। 2014 में हमने किस तरह हालात बेहतर करके मोदी साहब और मुफ्ती साहब के हवाले ये रियासत किया था वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मेहरबानी करके इन चीजों में मत पड़िए, इलेक्शन कराइए, लोगों को वोट का इस्तेमाल करने दीजिए, उसके बाद जो हुकूमत होगी वो 35A को बचाने का काम जो है वो खुद ब खुद करेंगे। जिस तरह फारूक साहब ने इलेक्शन के जिना डॉक्टर फारूक साहब ने इलेक्शन के हवाले से बात की, मैं ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचूंगा, लेकिन सिर्फ ये हाल आपके जरूर गौर डालना चाहूंगा। इस पर सोचिएगा जरूर कि जब लोगों को बांटने की बात आती है वो सिर्फ कश्मीर में क्यों होती है? आपको जम्मू में कोई थर्ड फ्रंट नजर आता है? आपने देखा कोई जम्मू में थर्ड फ्रंट वाले? आपने लद्दाख में देखा कोई थर्ड फ्रंट?
वहां पे वोट का बंटवारा नहीं होता, लेकिन जब पैसे देके थर्ड फंड कायम किए जाते हैं, कहां किए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ वादी कश्मीर में। क्यों? हमारी आवाज को कमजोर करने के लिए। ये शेर कश्मीर का उस वक्त उनकी दूर अंदेशी नजरिया, उन्होंने कहा कि मरकज की ये कोशिश रहेगी कि कश्मीर में गली गली लीडर खड़ा हो ताकि यहां एक आवाज में बात ना हो। कोशिश रहेगी कि हमें इस तरह कमजोर किया जाए, दबाया जाए, हमारी आवाज जो है वो बिखर जाए, कमजोर हो हम, और ये फिर हमारे खिलाफ साजिशें करें, चाहे वो 35A की साजिश हो, चाहे 370 की साजिश हो, चाहे और। इसलिए खुदा ना, मैं इस स्टेज के जरिए अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमने बहुत देखा वोटों का बंटवारा। आज अगर आरएसएस और बीजेपी वाले हमारे सिर पे बैठे, वो सिर्फ इसलिए कि हमने अपने वोटों के बंटवारे से उनको ये इजाजत दी। हमारा एक मिशन होना चाहिए इस आने वाले इलेक्शन में कि हम एक जमात, एक तंजीम को यहां से कामयाब होकर देखे और फिर दम दम और एक एक हिम्मत से हम इन तमाम साजिशों का मुकाबला करेंगे। शुरुआत इंशाल्लाह आप लोग गुलमर टंगमर के असेंबली हल्के से करेंगे। ये सीट